हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि अग्रवाल। और मुझे पुरानी वाली वीडियो पे बोला था कि ऐसी बुक्स रेफ़र करें जो बच्चे पढ़ सकते हैं। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिक नॉवेल्स, पुरानी बुक्स, जिनको कि बच्चे रीड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ बच्चों को रीडिंग की हैबिट ज़रूर डेवलप कराइए, बिकॉज रीडिंग से स्ट्रेस कम होता है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है ऑफकोर्स, ठीक है, बहुत सारे क्रिएटिव बनते हैं। सो मैं रीडिंग के बेनिफिट्स बताते हुए एक और वीडियो अलग से बना दूँगी, इसको और लंबा नहीं करते। सो अब देखते हैं कुछ ऐसी वाली बुक्स जो कि बच्चों को पढ़नी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज़ एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज़ रिटन बाय मार्क ट्वेन, और ये एक बच्चे की स्टोरी है, टॉम सॉयर। और ये इसके पेरेंट्स नहीं है टॉम के, और ये अपनी आंट बुआ आंट पॉली के साथ रहता है, और अपने हाफ ब्रदर सिड के साथ। टॉम बहुत फन लविंग किड होता है और बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। कभी अपने स्कूल का बंक मार के स्विमिंग के लिए चला जाता है, कभी ये और इसका फ्रेंड हक, ये दोनों हकलबेरी फिन, तो ये दोनों किसी चोरों के पीछे चले जाते हैं ताकि ये देख सके दैट इनका खजाना कहाँ छुपा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है एंड एवरी चाइल्ड शुड रीड इट। सो अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िए द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। द सेकेंड बुक इन द लिस्ट इज अ क्रिसमस कैरल। अब एक क्रिसमस कैरल में क्या होता है, देर इज़ अ मैन जिसका नाम होता है एबनेजर स्क्रूज। अब एबनेजर स्क्रूज जो है ना, वो बहुत ओल्ड और मतलब रूखा सा रूड टाइप का इंसान होता है। और जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इट इज़ द डे ऑफ क्रिसमस का दिन, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल डे होता है। लेकिन एबनेजर किसी से मतलब किसी के साथ घूमने नहीं जा रहा होता, क्रिसमस डिनर करने नहीं जा रहा होता, कुछ लाइटनिंग नहीं करता, और बहुत इरिटेटिंग क्रिसमस मना रहा होता है, ठीक है। अब इसका एक फ्रेंड था, फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर जैकब माले, जिसकी 7 ईयर्स पहले डेथ हो गई थी, ठीक है। अब जब ये अपने घर पे अकेला बैठा होता है चुपचाप, जेकब मार्ले की घोस्ट आती है, मतलब घोस्ट समझते हैं ना भूत, और वो उसको शो कर रही होती है, मतलब वो जो घोस्ट होती है वो बहुत चेंज में और मतलब बहुत बेकार कंडीशन में होती है। सो एबनेजर स्क्रूज को वो समझाती है दैट तुम्हारे पास 3 स्पिरिट्स आएंगी और तुम्हें उन 3 स्पिरिट्स से मिलना है। अब वो जो 3 स्पिरिट्स होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ क्रिसमस पास्ट, वो मतलब एबनेजर का बचपन दिखा रही होती है कि बचपन में वो कितना इनोसेंट सा था और वो अपनी सिस्टर से कितना प्यार करता था, दैट काइंड। उसके बाद क्रिसमस प्रेजेंट, कि पूरी दुनिया कितने अच्छे से क्रिसमस मना रही है और ये यहाँ पे अपने घर पे अकेला बेचारा बोर हो रहा है। और क्रिसमस फ्यूचर दिखा रही होती है दैट अगर इसने अपने वेज अभी भी डील नहीं किए, अभी भी इतना रूड और एंग्री रहा, तो पीपल विल गेट हैप्पी जब इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको देख के आप लोग खुद देख पढ़ लेना बुक कि इसको कुछ समझ आता है या नहीं आता, ये अपने वेज चेंज करता है या नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो इसको ज़रूर पढ़ना, अ क्रिसमस कैरल। द नेक्स्ट वन इज़ हाइडी। हाइडी टेक्स्ट बुक बहुत सारी बार बुक्स में भी, सिलेबस में भी है, ठीक है। हाइडी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसका नाम हाइडी होता है, और ये भी ऑर्फन होती है, और ये अपनी मासी के साथ डेटे उसके साथ रह रही होती है। एंड इसकी मासी की आंट की कहीं जॉब लग जाती है, तो वो इसको इसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ देती है। इसके ग्रैंडफादर विलेज में रहते हैं एंड ही इज़ अ बिटर ओल्ड मैन जिसकी किसी से नहीं बनती, और ये 3 साल तक अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छे से रहती है, मतलब बहुत कुछ ऑन माउंटेन्स और सब कुछ, मतलब इसको विलेज में कंट्री साइड में रहना बहुत अच्छा लगता है। 3 साल बाद डेटे आती है और इसको फ्रैंकफर्ट में छोड़ देती है। फ्रैंकफर्ट में एक व्हील चेयर पर लड़की होती है क्लारा, उसके पास छोड़ देती है कि ये वो मतलब हीडी उसके साथ खेल सकती है और उसकी केयर करे, ठीक है। लेकिन हाइडी का क्लारा के साथ मन नहीं लगता, और उसको अपने यूज़ टू मिस अ ग्रैंडफादर। अब आप प्लीज़ ये बुक पढ़िए और जानिए दैट वो अपने ग्रैंडफादर से फाइनली मिल पाती है या नहीं मिल पाती, और उसका फ्यूचर क्या रहता है, ठीक है। सो दिस द थर्ड रिकमेंडेशन इज़ द बुक हाइडी। द फोर्थ वन इज़ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ टॉम सॉयर, दोनों एक ही इंसान ने लिखी है, मार्क ट्वेन ने, और हकलबेरी फिन वही हक है जो टॉम सॉयर का फ्रेंड है, और वो भी टॉम सॉयर की तरह मिस्चीवियस होता है और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है, ठीक है। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। द नेक्स्ट बुक इज़ शेरलॉक होम्स, ठीक है। सो द शेरलॉक होम्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेटेड सस्पेंस थ्रिलर्स। इसमें क्या होता है, देर इज़ अ मैन डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स,
और शेरलॉक होम्स जो है उसका एक फ्रेंड होता है डॉक्टर वॉटसन, और ये दोनों बहुत सारे मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरे हुए केसेस सॉल्व करते हैं। इस एक बुक के अंदर 12 शॉर्ट स्टोरीज हैं, 12 स्टोरीज, और 12 स्टोरीज में अलग अलग चीज़ें हैं जो कि ये लोग अलग अलग केसेस जिनको कि ये दोनों शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ये दोनों सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है एंड एवरीवन शुड सी देम, सॉरी एवरीवन शुड रीड देम। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर चार बुक्स हैं, रॉबिनसन क्रूसो, एलिस इन वंडरलैंड, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एंड ओलिवर ट्विस्ट। तो ये चारों भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक्स हैं एंड इन्हें भी पढ़ना चाहिए। रॉबिनसन क्रूसो क्या करता है, दैट ये अपनी फैमिली की एडवाइस ना सुन के सी से अपना मतलब एक अलग ही नई दुनिया में चला जाता है और ये अपनी एक नई सिविलाइजेशन बना लेता है। इसको पढ़ना अच्छी बुक है। नेक्स्ट वन इज़ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड में एक लड़की है जो कि एक रैबिट को फॉलो करती है, रैबिट के पीछे पीछे जाती है और पता नहीं कुछ अलग ही क्रीचर्स की दुनिया में पहुँच जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इट इज़ सिमिलर टू रॉबिनसन क्रूसो। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अलेक्जेंडर ड्यूमस ने लिखी है, जिसकी एक और बुक है द थ्री मस्केटर्स, शायद आप लोगों ने वो पढ़ी या सुनी हो। एंड द लास्ट वन इज़ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। ये भी एक स्टोरी है एक ऑर्फन बच्चे की, ओलिवर, जो कि उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस की कि उसने क्या क्या टाइम देखा, कहाँ कहाँ गया, तो उन सारी चीज़ों से डील करती है। मैं इनको ख़रीदने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से अगर लेना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं या देख सकते हैं। एंड प्लीज़ अपने बच्चे को रीडिंग की हैबिट 100% ज़रूर प्लीज़ डेवलप करना। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। और मुझे ये ज़रूर बताना दैट आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है या फिर मैं कौन कौन सी मतलब और बुक रेफ़र करनी हूँ आपको। तो थैंक यू।